नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ, इमोशनल फूल। वर्षों बाद आज माध्यम बनारस जा रहा है। बहुत सी यादें जुड़ी हैं उसकी बनारस के साथ। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे माध्यम की आंखों के सामने बनारस में बिताए उन लम्हों की स्मृतियां जीवंत हो रही थी। हमारे जीवन में किसी एक व्यक्ति की वजह से शहर का अस्तित्व होता है। जैसे नानी की वजह से कानपुर, मौसी की वजह से लखनऊ, ठीक उसी तरह माध्यम के लिए आराध्या की वजह से बनारस का अस्तित्व था। इस शहर की सकरी गलियों में न जाने कितनी दोपहरियां साथ में खर्च की थी दोनों ने। ऐसा लगता था हर शाम सूरज इन दोनों के इशारों पर ही ढलता है। इन दोनों ने कभी इस रिश्ते को नाम नहीं दिया, खुद को किसी बंधन से मुक्त सिर्फ प्रेम और समर्पण में बांधना चाहते थे दोनों। जब आराध्या की शादी हो गई तो माध्यम ने उसके ससुराल वालों को भी अपने परिवार का ही अंग मान लिया था। जब 7,000 रुपए की पहली तनख्वाह मिली थी माध्यम को, तो 3,500 रुपए की साड़ी लेकर पहुंच गया था आराध्या के घर। आराध्या ने इतनी महंगी साड़ी लेने से इनकार कर दिया तो माध्यम ने उसे यह कहकर मनाया कि नौकरी उसे अपनी मेहनत से नहीं बल्कि आराध्या के व्रत और पूजा पाठ से मिली है। ये सारी ही पुरानी बातें उसकी आंखें नम कर रही थीं और बनारस धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था। शादी के शुरुआती दिनों में आर्थिक संकट से जूझ रही आराध्या के लिए न जाने कितनी ही बार माध्यम ने अपना बैंक अकाउंट खाली कर दिया था। और आज आराध्या स्वयं सरकारी नौकरी पा चुकी है, तो अब वो माध्यम के सामने कैसे पेश आएगी ये सोचकर वो उत्साहित हो रहा था। उसने अपने आने की सूचना समय और दिन के साथ पहले ही दे दी थी। आराध्या माध्यम के द्वारा पहली तनख्वाह से भेंट की गई साड़ी को आज तक नहीं पहनी थी, क्योंकि वो उस साड़ी को माध्यम की निशानी के तौर पर हमेशा के लिए साथ रखना चाहती थी। ठीक उसी तरह माध्यम ने भी सोचा था कि आज अपनी तनख्वाह से आराध्या जो भी तोहफा उसे देगी वो उसे हमेशा संभाल के रखेगा। वॉल्वो बस के कंडक्टर ने माध्यम को जगाकर कहा, बनारस आ गया भाई साहब, उतर लीजिए अब आप। उत्साह और उम्मीद की पोटली बांधे माध्यम आराध्या के घर पहुंच गया। काफी देर घंटी बजाने के बाद एक अनजाने चेहरे ने दरवाजा खोला। परिचय देने पर उसने अंदर बुलाकर एक कमरे में बिठा दिया माध्यम को। कुछ देर बाद जब वही अपरिचित महिला चाय लेकर आई तो माध्यम ने पूछा, कोई दिखाई नहीं दे रहा घर में, कहां हैं सब लोग? उस महिला ने जवाब दिया, साहब लोग कल ऋषिकेश गए हैं घूमने, 2 दिन बाद लौटेंगे। माध्यम ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, लेकिन मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं आने वाला हूं, फिर भी? महिला ने जवाब दिया, बड़े साहब भी यही कह रहे थे, लेकिन आराध्या मैडम ने कहा कि कोई ना कोई तो आता ही रहेगा, इस तरह तो कभी वो जा ही नहीं पाएंगी घूमने। माध्यम कुछ पल बिल्कुल शांत बैठा रहा, फिर उसने महिला से पूछा, ये साड़ी किसने दी है आपको? महिला ने प्रसन्न होकर जवाब दिया, ये आराध्या मैडम ने दिया है साहब,
कह रही थी कि अलमारी में जगह नहीं है इसे रखने की, तो अब इसे तुम ही पहन डालो, बिल्कुल नई साड़ी है साहब ये। वही साड़ी थी जो माध्यम अपनी पहली तनख्वाह के आधे पैसे से आराध्या को भेंट किया था। माध्यम ने उस महिला से एक पेन और पेपर मांगा, उस पर कुछ लिखा और बिना कुछ बोले उठकर चल दिया। महिला खुद को रोक ना सकी और उसने वो पत्र पढ़ लिया। उसमें लिखा था, अच्छा लगा तुम्हें इस लायक बना देखकर आराध्या, कि आज तुम अपने पैसों से पूरा देश घूम सकती हो, खूब कमाओ और हमेशा खूब खुश रहना। तुम्हारे लिए दो साड़ी लाया था, लेकिन दोनों तुम्हारी काम वाली को भेंट करके जा रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हें भी भेंट कर देता तो तुम काम वाली को ही देती। तुम जैसी हो हमेशा ऐसे ही रहना, कभी मेरी तरह इमोशनल फूल मत बनना। काम वाली महिला माध्यम द्वारा भेंट की गई उन साड़ियों और उसके पवित्र निस्वार्थ प्रेम को देखकर हतप्रभ थी। काफी देर तक आंसू उसकी आंखों को सजल करते रहे। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विजित सिंह यानी मुसाफिर किस्सों वाला का विदा।